परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु यीशु के समर्पित विशेष प्रार्थना। हे अवश्यंभावी परम पिता, हम आपके समर्पण से प्रेरित होते हुए आपके पास आते हैं। आपकी कृपा और आपके प्रेम से उत्पन्न हुआ प्रभु यीशु हमारे लिए आशा, मार्गदर्शन और मुक्ति का प्रतीक है। हम आपके समर्पण और अनुग्रह से पूर्ण होकर विचारों, शब्दों और कार्यों में आपकी महिमा को प्रकट करने का संकल्प लेते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपके प्रत्येक शब्द को महत्व देते हैं जो आपने आपके पिता के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। आप ही हमारे आत्मा को संतुष्ट करते हैं और हमारे दिल की घावों को भर देते हैं। हम आपके वचनों को पालन करने की इच्छा रखते हैं और आपकी शिक्षाओं को अपार प्रेम और सम्मान के साथ अपनाने का संकल्प लेते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे प्रत्येक दुख, संकट और दुविधाओं को समझते हैं। आप हमें संबल देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें आपके पिता के प्रेम में स्थायी सुरक्षा और शांति प्रदान करते हैं। हम आपकी विश्वासयोग्यता पर निर्भर रहते हैं और आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपको आराधना करते हैं क्योंकि आप अनंत दयालु हैं। आपने अपने जीवन और क्रूस की बलिदान से हमें पाप से मुक्ति दिलाई है। आपका प्रेम अमर है और हमेशा रहेगा। हम आपके प्रतिपालन में आनंदित होते हैं और आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें आपकी सेवा करने की शक्ति मिले। हमें अपनी नजरों को आपके प्यार और असीम दया के साथ खोलने की प्रेरणा दे। हमें आपके वचनों को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने की क्षमता और इच्छा शक्ति प्रदान करें। हमें अपनी आत्मिक बढ़ती विश्वास योग्यता और निस्वार्थ प्रेम की दृष्टि दें ताकि हम अपने बाहरी और आंतरिक दुश्मनों के प्रति क्षमा कर सकें। हमें स्वर्गीय पिता के प्रेम और वचनों का जीवन जीने की प्रेरणा दें। हमें आपकी परम आत्मा की आवश्यकता को समझने और आपके प्रेम के माध्यम से उच्चतम सामर्थ्य तक पहुंचने की प्रेरणा दें। हमें आपकी सत्य और न्याय के लिए खड़े होने की शक्ति प्रदान करें। हे प्रिय यीशु, आपकी प्रेम और अनुग्रह से हमें विश्वास, आत्मिक आनंद और विजय प्राप्त होती है। हम आपके समर्पण को आदर्श मानते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार जीने का प्रतिज्ञान करते हैं। इस प्रार्थना को आपके पास समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु के नाम में, आमीन। आपको हमारे जीवन के सभी क्षणों में धन्यवाद। हम आपको अपने जीवन का एक खास भाग मानते हैं और आपकी महानता और प्रेम के सामर्थ्य का आभारी हैं। ईसा मसीह हमारे मुक्तिदाता, प्रेरित और प्रेम का प्रतीक है। हम आपको आज इस प्रार्थना के माध्यम से समर्पित करते हैं। आप वह हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हम आपके चरणों में समर्पित हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमें आपके आदेशों का पालन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रभु यीशु, हम आपकी दया और क्षमा के समृद्ध आच्छादित उपहारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और आपके दिव्य सत्य को अपने हृदय में स्थान देते हैं। आपका प्रेम अनंत है और हमारे पापों को धोने के लिए, आपका शुद्ध रक्त बहाने के लिए आपका धन्यवाद है। हम जानते हैं कि आप हमसे और हमारे दृष्टिकोण से कितना प्यार करते हैं और हम परमेश्वरीय पिता के रूप में आपकी उपास्यता करते हैं। हे प्रभु, हम आपको आज अपनी आत्मा के साथ अनुभव करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आपकी तुलना में भला और प्रेमयोगी बनाए रखें ताकि हम आपकी प्रतिष्ठा को प्रशंसा कर सकें और आपके कामों में विजय प्राप्त करें। हम आपकी आदतों को जीने का प्रयास करेंगे, प्रेम के साथ बातचीत करेंगे और आपकी सत्यता का पालन करेंगे। हम आपकी सेवा में नियमित रूप से लगेंगे और अपने जीवन में आपका वचन अपनाएंगे। हमें दया और क्षमा की दृष्टि से अन्यों के प्रति विनम्रता दिखाने की शक्ति दे और हमें उन्हें प्रेम करने की शक्ति दे जो हमें नफरत करते हैं। हमें आपका प्रेम और समर्पण करने की शक्ति दे और हमें आपके लिए सत्य और न्याय की दीप्ति के प्रशंसा करने की शक्ति दे।
हे ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परिवर्तित करें और हमें दया, प्रेम और समझदारी के साथ जीने की शक्ति दें। हम आपकी सेवा में बढ़ते जाएं और आपकी प्रशंसा करते जाएं, जब हम आपकी पवित्रता और महिमा को दुनिया के सामने प्रकट करें। रोमियो अध्याय 10 का वचन 9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुआ में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हे प्रभु, हम आपको आज अपनी प्रार्थना के माध्यम से महसूस करते हैं और आपकी कृपा और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। हम जानते हैं कि आप सदैव हमारे साथ हैं और हमेशा हमारी मदद करेंगे। आप ही हमारी शक्ति, हमेशा के लिए हमारा मार्गदर्शन और हमारी आशा हैं। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हमने पाप किया है और हमें एक उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता की आवश्यकता है। हम विश्वास करते हैं कि जब आप क्रूस पर गए, आप वहां पर हमारे लिए और हमारे पापों के लिए गए। हम अभी इसी समय हमें बचाने के लिए भरोसा करते हैं। हम अपना जीवन आपको देते हैं। आज हम जानते हैं कि हमने उद्धार पाया है और आपने हमें क्षमा किया है, और यह जानने में सहायता करें कि प्रतिदिन आपके लिए जीवन व्यतीत करने का क्या अर्थ होता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन।